वेलकम दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और जो बेल आइकन है जो घंटी है उसे जरूर प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारे चैनल पे जो भी नए नए वीडियो अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों आज बात करते हैं 125 CRPC भरण पोषण, इस भरण पोषण के बारे में 125 CRPC के बारे में आप जान सकते हैं इस वीडियो से, लेकिन इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। 125 धारा क्या कहती है? अपने भारत में हर जगह महिला और पुरुष में विवाद बढ़ता जा रहा है, हर जगह इस विवाह से संबंधित विवाद होते जा रहे हैं। जैसे ही हल्की फुल्की नोकझोंक हुई तो विवाह से संबंधित विवाद बढ़ते ही 125 धारा भरण पोषण का दावा महिला कर देती है। इसके तुरंत बाद 125 कर देती है, 498 कर देती है, बहुत सारे दावे तुरंत कर देती है। लेकिन दोस्तों इस विवाद का हल 125 CRPC नहीं हो सकता जब तक या तो आप बैठ के समझौता कर लो, या किसी प्रकार सामाजिक दृष्टि से समाज के लोग बैठ के समझौता कर सकते हैं। लेकिन 125 CRPC कानून के हिसाब से अगर कोई महिला 125 CRPC भरण पोषण का दावा करती है तो कोर्ट द्वारा 60 दिन के अंदर तामिल होने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर उस दावे को डिसाइड करना पड़ता है। इसमें अर्जेंट रिलीफ देना पड़ती है। दो प्रकार के प्रार्थना पत्र पेश होते, अंतरिम और मूल। इसलिए कम से कम 60 तामिल होने के बाद 60 दिन में उस दावे का निस्तारण करना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 125 का निस्तारण तो हो जाएगा, लेकिन किस प्रकार से 125 का दावा या भरण पोषण प्राप्त कर सकती है महिला? दोस्तों अगर महिला जैसे ही 125 का दावा किया, नोटिस तामिल होने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर कोर्ट को डिसाइड करना है, लेकिन मान लो अगर जैसे ही कोर्ट ने मासिक भत्ता 1000 या 2000 रुपये बांध दिया है, तो वो अगर उस जो व्यक्ति है उसका पति है वो चुकाने में असमर्थ है तो किस प्रकार से वसूल सकती है कोर्ट? ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट 1 साल की मोहलत दे सकती है उस व्यक्ति को। लेकिन मान लो दूसरे तरफ से देखें, अगर महिला विवाहित विवाहच्छेद कर लिया है, उसने खुद ने अगर अलग जगह विवाह नहीं किया है तो वो भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। अगर मान लो विवाह विच्छेद करने के बाद वो दूसरी जगह विवाह कर लेती तो भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार अगर वह सर्विस करती है या नौकरी करती है या पैसे बिजनेस करती है तो उससे भी पति बच सकता है भत्ता देने से, क्योंकि वो सारी चीज़ें लाके कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। लेकिन मान लो इस प्रकार सारी चीज़ें ही पत्नी कुछ नहीं करती, उसके माता पिता भी उसके साथ है, बच्चा भी है, तो उसे व्यक्ति को तीनों चारों को भरण पोषण भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन भत्ता कोर्ट ने तो बांध दिया लेकिन उस व्यक्ति में देने में असमर्थ है, तो कोर्ट केवल उसे जेल भेज सकती है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको नीलाम कर सकती है। मान लो किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या कर सकती है कोर्ट? कोर्ट ना तो उसे सजा दे सकती है, इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकती। मान लो अगर दोनों व्यक्ति, जब तक महिला अलग रहेगी विवाह छेद होने के बाद अगर वह दूसरी जगह चली जाती है तो वह उसी दिन गुजारा भत्ता जो बना है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लो उसी बीच वही कोर्ट के साथ दोनों में समझौता होती है तो कोर्ट उस निर्णय को पास कर सकती है, निरस्त कर सकती है। लेकिन मान लो अगर पति विवाहच्छेद कर लेता है दूसरी शादी कर लेता है तो फिर भी जो पत्नी है पहले वाली उसको गुजारा भत्ता देना जरूरी है। अब मान लो उसी प्रकार पत्नी विवाह विच्छेद करके दूसरी जगह चली जाती है तो वह पति विवाहच्छेद होने के बाद गुजारा भत्ता नहीं दे सकता, क्योंकि वह अदर दूसरी जगह शादी कर ली है। मान लो दूसरी प्रकार अगर वो सर्विस करती है या कुछ नहीं करती है, तो करती है तो आपको उस डॉक्यूमेंट्स को लाके देना पड़ेगा, उससे भी आप मुक्ति पा सकते हैं गुजारा भत्ता से। इसलिए आपको कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी वाइफ को किसी भी मुकदमाबाजी से बचना है तो आप घर में बैठ के समझौता कर सकते हैं। लेकिन मान लो
इसी प्रकार 125 आरपीसी में अगर दाव होता है, भरण पोषण का दाव होता है, तो आपको भरण पोषण अदा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कानून स्पष्ट है, कानून में 60 दिन के भीतर भीतर उस केस को डिसाइड करना जरूरी है कोर्ट का। इसे मेरे कहने का मतलब भी कि अगर कोई भी व्यक्ति गुजारा भत्ता आदेश कोर्ट का आदेश होने के बाद नहीं देता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा, और कोर्ट को पैसे नहीं देने के बाद उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब करके लाना पड़ेगा। मान लो उसके कुछ भी पास में उसको प्रॉपर्टी नीलाम करके पैसा दिलाएगी। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के प्रकरण में फंस जाता है तो सबसे बेस्ट उपाय ये कि आप बैठ के समझौता करें, राजीनामा करें और एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इसलिए नहीं तो सीआरपीसी 125 दंड से प्रक्रिया संहिता 1973 ये स्पष्ट कहता है कि आपको जो भी गुजारा भत्ता है, कितने बच्चे हैं, पत्नी माँ बाप, उनको सभी को आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें।